हेलो। जो क्लास 11 हम लोगों का टॉपिक चल रहा था रोटेशनल मोशन, यानी ये वाला ये आपका चैप्टर चल रहा था गुणनखंड, ये वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने घूर्णन गति के संबंध में जो समीकरण थे उनको स्थापित, और ये समीकरणों की संख्या कल आपको बताई गई थी 3 है, जिनको हमने नोट किया था, और इसमें से 2 इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव कर। अब जो तीसरी वाली इक्वेशन है आज इसको हम लोग करेंगे, ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा 3, ये वाली इक्वेशन जैसे कि हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ते हैं वी स्क्वायर इक्वल होगा यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ठीक इसी प्रकार से यहां ओमेगा स्क्वायर है, तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 3, यहां पर ये ओमेगा स्क्वायर जो है वो अंतिम कोणीय वेग और ये प्रारंभिक कोणीय वेग, अल्फा कोणीय त्वरण है, थीटा कोणीय विस्थापन। हम लोग इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। इसके लिए जो हम लोग ले रहे थे शुरुआत में, हम जानते हैं कि अल्फा यानी जो कोणीय त्वरण है वो कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर है, तो अल्फा इक्वल होगा डी ओमेगा बाई टी, कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण। अगर इसमें हम डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें अपने मन से, यानी यहां डी थीटा ऊपर लिख दिया और ऊपर, तब हम देखेंगे यहां एल्फा इक्वल आएगा डी ओमेगा वाई डी थीटा, और यहां डी थीटा वाई डी जो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की समय दर, तो ये कोणीय वेग ओमेगा। अब इसको अगर हम यहां लिख दें यानी आए, तो ये हो जाएगा अल्फा डी थीटा इक्वल ओमेगा डी। यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये अवकलन में समीकरण, अगर हम इसको सामान्य समीकरण में बदलना चाहें तो दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे और साथ में लिमिट भी रखते हैं, तो इंटीग्रेशन यानी दोनों पक्षों का समाकलन हो जाएगा। समाकलन करेंगे या इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे, अल्फा कॉन्स्टेंट है इसको हम बाहर लिख दिया 1 d थीटा, यहां पर इंटीग्रेशन का मार्ग लगेगा ओमेगा, साथ में लिमिट देखें थीटा में जो परिवर्तन हुआ, पहले कोणीय विस्थापन 0 था बाद में जाकर के थीटा हो गया, पहले कोणीय वेग जो था वो ओमेगा नॉट था और बाद में कोणीय वेग, क्योंकि प्रारंभिक कोणीय वेग को हमने ओमेगा नॉट से दिखाया था अंतिम कोणीय वेग को। अब जब हम ये इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां आएगा अल्फा थीटा लिमिट 0 to 2 थीटा, और यहां पर आएगा इंटीग्रेशन जब ओमेगा की पावर 1 है इसको इसी के रिस्पेक्ट अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ 1/2 हमने अलग लिख दिया और यहाँ पर लिमिट लिख देंगे ओमेगा नॉट टू ओमेगा। अब इसमें लिमिट रखते हैं, यह आया अल्फा थीटा माइनस बी, यहाँ 1/2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ऐसा लिमिट एक बार ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस लगा करके। अब इसको अगर हम देखें तो ये हो गया अल्फा थीटा इक्वल 1/2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 अल्फा थीटा इक्वल ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के लिए इस साइड ले आए ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, यही हमें प्रूफ, हमें जो गुणन गति की तृतीय समीकरण है वो यही हमें सिद्ध करना है। अब हम इसमें इस मोशन के संबंध में यानी गुणन गति के संबंध में कुछ
कुछ निवर्गस करते यानी गुणन गति में ये समीकरण पर आधारित ये तीन जो समीकरण में बनाए इन पर आधारित कुछ सवाल इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग ले रहे हैं रोटेटरी मोशन इक्वेशन जो है उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो यहां पर हम तीनों पहले इक्वेशंस को अपना नोट कर ले। तो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल आपका ओमेगा नॉट प्लस एल्फा वी इक्वल क्या होता है यू प्लस उसके साथ और फिर थीटा इक्वल ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर किससे बनी एस इक्वल यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर हमने तीसरा आया भी याद लिखा हमने ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू एल्फा। ये तीन इक्वेशन रोटेटरी मोशन की है तो इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर एक हम न्यूमेरिकल लेते ध्यान से एक पहिया जो ग्राम अवस्था में एक पहिया जो ग्राम अवस्था में ध्यान दे रहा है इसके एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं तो इसमें कहा गया ओमेगा नॉट इक्वल जीरो रेडियन पर सेकंड यानी ये ग्राम अवस्था में था इस वजह से ऐसा लिख दिया हमने तीन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीयपण अल्फा इक्वल हो गया यहां थ्री रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इस पर कोणीय कोण काम करता है और ये t इक्वल दो सेकेंड तक काम करता है लिखा हुआ है कि दो सेकेंड तक काम करता है। इस अंतराल में पहिया कितना कोणीय वेग अर्जित कर लेगा तथा इसका कोणीय विस्थापन कितना होगा यानी अब हमें जो निकालना है एक निकालना है ओमेगा इक्वल कितना होगा एक निकालना है थीटा इक्वल कितना होगा। इसके लिए हम सोचे इन इक्वेशंस में से ओमेगा नॉट एल्फा और टी पता हो और ये ओमेगा निकालना हो तो हम देख पा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन हमारी ये ठीक है तो उनसे पहली इक्वेशन ओमेगा इक्वल लिखेंगे ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी इसको लो तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 थी प्लस एल्फा की वैल्यू 3 है इनटू टी की वैल्यू 2 है तो यहां आएगा 6 ठीक 6 रेडियन पर सेकंड ये हमारा आंसर आया इसका ओमेगा। अब दूसरी बात इसमें जो पूछी गई पूछा गया थीटा कितना होगा तो अब हमारे पास ओमेगा भी है थीटा निकालना है अल्फा है टी है ओमेगा नॉट तो इनमें से हम कौन सा इक्वेशन लगा रहे जिससे आसानी से हम ये बात निकाल पाए दूसरा वाला इक्वेशन देखें थीटा इक्वल ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इसको लगा थीटा इक्वल ओमेगा नॉट को 0 प्लस हाफ अल्फा जो है अल्फा को देखें तो यहाँ लगा 3 इनटू टी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो इसमें थीटा इक्वल कितना आएगा 6 रेडियन। इस प्रकार से हमने देखा इसका आंसर आया 6 रेडियन पर सेकंड इसका आया 6 रेडियन तो ये हमने न्यूमेरिकल इसको सॉल्व किया। अब हम इसी प्रकार से एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी का पहिया 6 चक्कर प्रति सेकेंड लगा रहा है यानी इसमें आपको आवृत्ति दी गई है इक्वल लिखा है 6 चक्कर पर सेकेंड साइकिल पर सेकेंड में चक्कर लगा साथ में दिया है ब्रेक लगाने पर 12 सेकेंड में यह रुक जाता है तो टी इक्वल है 12 सेकेंड यानी 12 सेकेंड रुक जाता है इसका मतलब है लास्ट जो इसका कोणीय वेग है ओमेगा इक्वल 0 रेडियन पर सेकेंड इतना ये रुक जाएगा। अब कहा गया ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय मंदन ज्ञात यानी अब हमें जो निकालना है अल्फा की वैल्यू निकालनी है और मंदन क्यों दिया क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में है
जब एल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो कहा जाएगा कि वो मंदन या रिटार्डेशन तरीके से काम करता है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले ये कि हमें ओमेगा नहीं पता, यानी प्रारंभिक कोणीय, सॉरी ओमेगा नॉट नहीं पता है, प्रारंभिक कोणीय वेग नहीं पता। तो ध्यान देना, प्रारंभिक कोणीय वेग नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ ये बात पता है कि उसमें 6 चक्कर पर सेकंड पहले लग रहा है सुबह, तो ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई है। इसके हिसाब से अगर निकालेंगे तो 2 × π × 6 यानी 12 π, ठीक, ये रेडियन पर सेकंड हमारे पास अब आ गया है उसका प्रारंभिक कोण। अब प्रारंभिक कोणीय वेग है, अंतिम कोणीय वेग है आपके पास, ठीक, और टाइम है, और एल बार को निकालना है। तो इसमें इक्वेशन कौन सी लगा देंगे, ओमेगा इक्वल लिख देंगे ओमेगा नॉट और प्लस एल्फा टी। इसमें ओमेगा की वैल्यू 0 है और ओमेगा नॉट तो ये अपना आएगा 12 पाई प्लस एल्फा में निकालना है, टाइम टी यहाँ पर 12 है। अगर इसको इस साइड लेंगे तो माइनस एल्फा इंटू 12 इक्वल हो जाएगा 12 पाई, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, एल्फा इक्वल आएगा माइनस पाई। माइनस पाई, माइनस हमने बताया था, माइनस से केवल क्या बताएगा कि अवमंदन काम कर रहा है, रिटार्डेशन लगा है, यानी इसमें ब्रेक लगाया है। तो वास्तव में जो एल्फा की वैल्यू आई 3.14, ओके, और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। इस प्रकार के लिए दो, अब हम इसके आगे का टॉपिक लेते, बल आघूर्ण, टॉर्क ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, हम लोग लेंगे बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होगा ये देखना हम लोगों को, कि बल आघूर्ण से तात्पर्य क्या है। तो ध्यान देना, जैसे हम लोग एक वस्तु है, मान लिया कि दरवाजा है, तो दरवाजे में एक हैंडल लगा होगा, हैंडल की मदद से दरवाजे को घुमा सकते हैं। तो यहां पर फोर्स लगाते हैं, यहां पर फोर्स लगाते हैं, अगर दरवाजे को बंद करना हो या खोलना हो यहां पर फोर्स लगाते हैं, और दरवाजा जहां पर एक साइड फिक्स रहता है तो ये उसकी एक्सिस होगी, इसके परिता में घूमता है, बंद करते समय एक साइड घूमेगा उस दिशा में। अगर हम ये कहें कि इस पर जो बल आघूर्ण है यानी टॉर्क जो है इसको हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान सुनना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बल आघूर्ण, तो टॉर्क को हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो टॉ का मान क्या होता है, किसी वस्तु पर जो घूर्णन अक्ष के परिधि बन गई लगाया गया बल और बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष तक की लंबवत दूरी, इसमें मान लो लंबवत दूरी r, इनका सदिश गुणनफल किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष तक की लंबवत दूरी का सदिश गुणनफल उस वस्तु पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर, यानी इस बल का जो आघूर्ण होगा टॉ वो कितना होगा, टॉ इक्वल आएगा f, यानी इस बल का मान क्रॉस प्रोडक्ट और ये आ। तो ध्यान देना ये दोनों सदिश है, यहाँ पर ये तृतीय वेक्टर के रूप में यहाँ पर लिखा है आर, आर एक सदिश है और एफ भी एक सदिश है, और इनका अगर हम सदिश गुणनफल करेंगे तभी यह सदिश आ सकता, ये कहना सकता हूँ। अब इसकी यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट आएगी न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगी न्यूटन। अगर इसके लिए हम कहें डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला पहले ऐड कर लेंगे तो एम एल की रेज की पावर -2 और आर फिर से लेंथ का ही स्क्वायर, तो यहाँ पे ये डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा एम एल स्क्वायर की रेज की पावर। यहाँ पर एक बात नोट करने की भी है कि हमने देखा काफी डायमेंशनल फार्मूले आपस में बराबर होते, जैसे इसका वर्ग का एक जैसा, एनर्जी का वर्ग का, ठीक है, टॉर्क का, इन सब के जो डायमेंशनल फार्मूले होते एक जैसे। इस प्रकार से हमने देखा कि टॉर्क क्या होता। अब इसके कुछ उदाहरणों को देखें, जैसे कहा जाए कि यदि हम अपने गेट में एक हत्था लगाए, कल्पना करें कि हैंडल लगा हुआ है, अगर इसको हम गेट के स्वतंत्र सिरा जो खुल रहा बंद हो रहा है इसके जितने पास लगाएंगे उतना आसानी से ये गेट बंद और खुला जा सकता है, बंद किया जा सकता है और खुला जा सकता है।
अगर इस हद्दे को कल्पना करें कि हम जहां पर उसके कब्जे लगे रहते हैं, जिस अक्ष की परतई घूमता उसके पास की तरफ नहीं, तो क्या होगा? तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? किसी वस्तु को अक्ष के पर का घुमाने के लिए बल आघूर्ण की जरूरत होती है, और बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? एफ पर और आर पर। तो निश्चित रूप से अगर हम टॉ का मान ज्यादा चाहिए तो दो तरीके हमारे पास है, या तो एफ का मान बढ़ाए या आर का मान बढ़ाए। तो स्वाभाविक बात है कि यांत्रिक लाभ लेने के लिए हम एफ का मान ना बढ़ा के किसका मान बढ़ा देंगे? आर का। इसी वजह से हमका हमेशा जो दरवाजे रहे वो उसकी घूर्ण अक्ष से बाहर की तरफ बढ़ते हैं। एक उदाहरण ये, साथ में हम एक उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे अगर हम सोचें आटा की जो पत्थर वाली चक्की है इसकी कल्पना करें, ये आटा इसलिए कि पत्थर वाली चक्की होगी वो वाली, इसमें यहाँ से हम लोग गेहूं डालते हैं, यहाँ से ये चलने पर आटा में उतरा। इसमें जो हक्का होगा वो हमेशा इसकी परदी के, यानी जो पत्थर है इसके परदी के बाहर निकल ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी अक्ष जो घूर्ण अक्ष है वही वाली, और जितना इसमें से हम ये आर ज्यादा कर रहे हैं, आर का मान जितना ज्यादा करेंगे उतना हमें ज्यादा टॉ मिलेगा, यानी बल आघूर्ण मिलेगा, और बल आघूर्ण मिलेगा इतनी तेजी से आसानी से ये घूम सकते हैं। यानी टॉ का मान बढ़ाने के लिए हम एफ का मान ना बढ़ा के किसका मान बढ़ा देते हैं? आर। तो हमें ये लाभ। इस प्रकार के उदाहरण, एक पेचकस का भी उदाहरण हो सकता है। जैसे पेचकस में ऊपर जो हक्का होता है उसको हम लोग चौड़ा कर लेते हैं, और नीचे का हिस्सा जो होता है पेचकस का वो पतला होता है, और इसमें यहाँ से हम पेच को आसानी से घुमा, इसमें जो हक्का होता है इसमें ये इसमें ग्रिप बन जाती है, हाथ से पकड़ कर इसको आसानी से घुमाते हैं। वजह क्या है? इसमें घूर्ण अक्ष ये होगी, हक्का जितना ज्यादा मोटा होगा चौड़ा होगा उतनी दूरी से हम इसको घुमाएंगे, यानी बल लगाएंगे, एफ जितनी दूरी से लगाएंगे उतना ज्यादा हमें टॉर्क मिलेगा। यानी हत्ते को चौड़ा कर दिया, पेंचकस करते को अगर चौड़ा कर दिया तो उससे आसानी से हम पेंच को कर सकते या खोल सकते। जबकि अगर हम केवल सरिया ले लेते, यानी ये केवल रॉड ले लें और उसको एक पेंचकस की तरीके से बना लो, ऊपर कोई उस पर हड्डी ना हो ना उसको कोई हत्ता यानी पकड़ने के लिए मोटा स्थान बना हो, उससे पेंच को कसना या खोलना उतना ही मुश्किल। इस प्रकार के उदाहरण इसके हम लोग दैनिक जीवन में। अब हम लोग कल इसके आगे के टॉपिक को और कंप्लीट करेंगे।